प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन एनएक्ससी भवन परिसर में किया गया, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर सांसद रवि किशन ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के पश्चात सदर सांसद सहित अन्य लोगों ने मेला एवं प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न विभागों, संस्थानों एवं फार्मों के स्टॉल का गहनता से अवलोकन किया तथा जानकारी लेते हुए किसानों को प्रोत्साहित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, माननीय सांसद जी प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद पुनः आपकी पीठ में आएंगे। आपकी पीठ में उनका वक्तव्य होगा। ये मैंगलोर कैंप का फटाया मैंगलोर से फर्टाइजर सेगमेंट में रेगुलर सप्लायर हैं सर, उनके उनके सहयोग से हम लोग खाद की व्यवस्था पूरी यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग और सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का है, कृषि विभाग का ही एक अनुभाग है। और ये जो बंजर भूमि है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना के उसको खेती जो कुंभ का पड़ाव नहीं नहीं आनंद है, ये आपका आपकी भावना है सर। गेहूं का भी जैसे गेहूं का सर सर जो है ये सभी जो 50% अनुदान पे लोगों को अवश्य होता है सर लीजिए। कृषि विभाग में हर गोदाम पर इस समय बीज अवेलेबल है सर, गोदामों लोग स्थापित कर रहे हैं कि इसको जल्दी से अपने बुआई के लिए 50% बताइए भाई रेशम विभाग की कार्यक्रम क्या है हमारे यहाँ सर। टीका भाव और क्या इसकी इसको सेंसिटिव होता है, इसको ध्यान देना पड़ता है नेचुरल अपना पकड़ लेता है और न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। एक बार बढ़ जाता है तो इन्हीं की पत्तियों पे ये रेशम के कीट ये सर रेशम के ये इसी अंडे से निकले हुए ये नमूने के लिए लाए और ये इसी से बड़ा हो जाता है। ये वाला कुर्ते में जो इस्तेमाल फैब्रिक किस तरह से फैब्रिक इससे हो जाता है। हमारे करीब 400 किसान हैं, उन्हीं में से कुछ किसानों का ये प्योरली जैविक ये काला नमक भगवान बुद्ध का पूजा माना जाता है। ये जैविक चावल है, ये सारा पूरा किसानों का उत्पादित और ये हम ब्रांडिंग कहाँ रखे वो इस तरह से हम इसकी ये मैं पूज्य महाराज जी को कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रदर्शनी में एक ही सब्सिडी कितना मिल रहा है, कैसे 50% पे सब कुछ मिल रहा है, वो खाद से लेके हर सेवा, तो वो फायदा किसान भाइयों को जरूर इस मेले का लेना चाहिए।